जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआ से पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैंने जनता के बीच में सब अपनी राय रखी है कि जागने का समय आ गया है, आप जाग जाओ। मैंने जनता के दिल में सिर्फ ये गढ़ करने की कोशिश की है कि एक आम इंसान भी चुनाव लड़ सकता है हौसले के साथ। सिर्फ दौलत मायने नहीं रखती है, हौसला मायने रखता है। उस हौसले के साथ मैं इस चुनाव में लड़ रही हूँ, बस आप लोग का साथ चाहिए, बस यही अपील की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मुझे पूरे दरभंगा का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी कि ये जो हमारा मिथिलांचल है, ये हमारा जो दरभंगा गढ़ है, ये नगर निगम में ऐसा जगह है जिसमें हर समुदाय का बराबर का हाथ है। तो मैंने सबके दिल में जगह बनाया है अपना चेहरा बनाने की, कि मैं ही नाज़िया हसन हूँ। सिर्फ तो सिंबोले जान रहे थे, लेकिन मैं सबके पास जाकर के ये कन्विंस की हूँ कि जागने का समय हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जनता मेरे साथ में है। साथ में क्या लग रहा है, 30 तारीख को क्या परिणाम आएंगे? जी 30 तारीख को ये तो परिणाम अल्लाह ही बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं हिंदू मुसलमान सबका वोट ले करके इंशाल्लाह उनके दिल में जगह कर करके और उसी तरीके से काम करके भी इंशाल्लाह जीत करके उनके दिल में जगह बनाऊंगी। ये तो रिजल्ट बताएगा 30 तारीख को। आखिरी बार जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के वोटिंग करें। मैं आपके घर पे, जिस घर पे नहीं जा सकी हूँ, वहाँ तक अगर आपके माध्यम से मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो मैं हाथ जोड़ के उनको निवेदन करती हूँ कि जागने का समय आ गया है। पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि आप 3-3 वोटिंग के अधिकार है, सोच समझ के आप वोटिंग करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे ही चुनें, लेकिन अगर जिसको भी चुन रहे हैं बस सोच समझ के चुने। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा नाम नाज़िया हसन है, डिप्टी मेयर की उप महापौर की कैंडिडेट हूँ, सिंबल चश्मा छाप है, क्रमांक नंबर 4 है। बहुत बहुत शुक्रिया।